संहिता लागू होते ही एक्शन में गाजियाबाद प्रशासन उतारे गए होल्डिंग पोस्टर। नई दिल्ली गाजियाबाद में मुख्य चुनाव आयोग के साथ देश भर में आचार संहिता लागू हो गई है। इसी के साथ में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के होल्डिंग पोस्टर हटाने का भी काम भी शुरू हो गया है। गाजियाबाद में भी आचार संहिता लागू होने के बाद शहर भर से राजनीतिक दलों में होल्डिंग और पोस्टर को हटाना शुरू कर दिया है। साथ ही दो दिन के अंदर पूरे जिले में ऐसे होल्डिंग बैनर पोस्टर को हटा दिया जाएगा। रात 10 बजे लाउड स्पीकर करना बंद होगा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, भाजपा समेत सभी राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर सिटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में हटाए जाएंगे। शहर में अब तक किसी दल को इस तरह के होल्डिंग और बैनर लगाने की इजाजत नहीं है। साथ ही 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर चलाने की इजाजत नहीं है। इसी बार के चुनाव में बाकी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना भी हो सकता है और कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। प्रशासन पूरी तरह से आचार संहिता के मामले में सख्ती बरत रहा है। इसका उदाहरण इसी बात से पता चलता है कि चुनाव आचार संहिता लगाने ही एक्शन में नजर आने लगे हैं। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।